वितान सहायक वाचन भारतीय कलाएं। भारत है जो, इसमें विभिन्न भाषा भाषी प्रांत है, विभिन्न प्रकार की भारतीय कलाएं हैं, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कलाएं हैं, संगीत और नृत्य और जो भारतीय कलाएं हैं, भारतीय नृत्य है, डांस है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का जो सारांश है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। संकलित निबंध भारतीय कलाएं में विभिन्न भारतीय कलाओं यथा चित्रकारी, संगीत, नृत्य इत्यादि का बहुत ही रोचक, ऐतिहासिक एवं ज्ञानवर्धक वर्णन किया गया है। साथ ही इसके अंत संबंधों की भी प्रभावी व्याख्या की गई है। कलाओं की भी एक अपनी भाषा होती है। हम अपने आसपास के परिवेश को ना सिर्फ अपनी भाषा से अपितु चित्रकारी, संगीत एवं नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक उत्सव प्रधान देश है। इसके विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। ये कलाएं जन्म उत्सव से लेकर शादी, विवाह, पूजा तथा खेती बाड़ी तक से जुड़ी हुई है। वास्तव में यही हमारे गौरवशाली अतीत और संभावनापूर्ण वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी है। प्रारंभ में सभी कलाओं का संबंध लोक अथवा समूह से था। बाद में ये व्यवसायीकरण के कारण व्यक्तिगत होती गई। मध्यकाल के विभिन्न शासकों ने इन कलाओं को संसरित करने एवं परिकृष्ट करने का कार्य किया। भारत मुनि का नाट्यशास्त्र कला के लिए अब तक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय इत्यादि कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप प्रदान किया। चित्रकारी भाषा प्राप्ति से भी पूर्व से मानव जीवन का अभिन्न अंग रही। सबसे महत्वपूर्ण चित्रों के नमूने शैलचित्र चित्रों को ही माना जाता है। ये गुफाओं में मिलते हैं। इन गुफाओं में भीम, बेटका, एलोरा और अजंताबाद और बादामी तथा एलिफेंटा इत्यादि की गुफाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजोर की चित्रकला कला कौशल के अनूप उदाहरण हैं। लघु चित्रों में कलमकारी, फुलकारी, वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ राजस्थान चित्तौड़गढ़ की पेंटिंग, उड़ीसा की पट चित्रकला, मिथिला की मधुबनी की चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। अस्थाई कलाओं में कोहबर, ऐपण, अल्पना, रंगोली, मंडवा, सटिया, अरिपन, चौकूना, कोलम इत्यादि कलाएं काफी प्रचलित हैं। वास्तव में कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। वैदिक काल में दो प्रकार के संगीत मार्गी तथा देसी का उल्लेख मिलता है। दस्तावेजीकरण के अभाव में भारतीय कला के इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भैरव, मेघ, दीपक, श्रीराग, कौशिक एवं हिडोला इत्यादि कुछ रागों के प्रसिद्ध नाम हैं। भारतीय संगीत किसी भी वस्तु जैसे वीणा, खाप, दोतार, बांसुरी इत्यादि से संगीत निकालने में दक्ष हैं। सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही। हमारे यहाँ का मुख्य वीणा
वाद है, भारतीय संगीत की भी लोक से जुड़ा है। भारतीय नृत्य कला में दक्ष नर्तक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में उल्लेखित नियमों का पालन करते हैं। नाट्यशास्त्र में दो शब्द ना नाथ एवं नृत्य मिलते हैं। भारत सदैव से ही लोक नृत्यों का देश कहा जाता है। पंजाब का गिद्धा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का लालवाणी, मैसूर का बालाकल, केरल का गुरुवांजी, अरुणाचल प्रदेश का निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलम, छत्तीसगढ़ का पंथी, झारखंड का राउत, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी तथा बंगाल का छाऊ इत्यादि अत्यंत लोकप्रिय एवं सुविख्यात लोक नृत्य है। इन सभी लोक नृत्यों में एक समानता पाई जाती है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। वास्तव में लोक नृत्यों से ही शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ है। यह इन नृत्य शैलियों का जादुई प्रभाव ही है। इसके माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक पौराणिक कथाओं को अत्यंत प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जाता रहा है। शास्त्रीय नृत्यों में केरल का कथकली तथा मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का भरतनाट्यम, असम का छत्री इत्यादि प्रसिद्ध हैं। सभी भारतीय कलाओं के मध्य एक अंत संबंध देखने को मिलता है। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह भारतीय कलाओं का जादू ही है जो आज पूरे संसार इसके प्रभाव से सम्मोहित सा है। भारत में जो संगीत है, जो कलाएं हैं, जो शास्त्रीय संगीत है, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग प्रकार से हैं और ये बहुत ही अद्भुत हैं। और ये भारतीय जो संस्कृति है इसी पे आधारित है और भारतीय संस्कृति के ये महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके बारे में, नृत्य कलाओं के बारे में, भारतीय कलाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इसका सारांश पढ़ाया। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसका अध्ययन करिए। कोई आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आप मेरे से संपर्क करिए।